हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रोशिया का स्लीपर लेकर आई हूँ। ये 1 साल के बेबी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसके लिए मैंने 9 नंबर का हुक यूज़ किया है और थोड़ी मोटी ऊन यूज़ करिए। आप इसके लिए 4 प्लाई की ऊन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे, अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये सोल बनेगा। ये स्लिप नॉट बनाई है मैंने। इसके बाद हमें 15 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसके बाद 1, 2, 3 फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार और डबल क्रोशिया, एक बार और। इसी चेन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमें बाकी हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें इस वाले लास्ट वाले ये जो हमने नॉट बनाई थी, इस स्टिच में हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनेगा। ये टोटल 11 आ जाते हैं यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं। अब हमें इस स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2 और ये 3।
इसके बाद इस स्टिच में से इसे स्लिप स्टिच बनाना है, स्लिप कर देना है इसको। उसके बाद हमें दो चेन बनानी है। अब इनमें हमें तीन स्टिच में, एक दो तीसरे स्टिच में दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये तीसरा स्टिच है, इसमें हमें डबल दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। और बाकी इधर तक हमें 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक बनाने के बाद हर स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। इधर तक दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। छह स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 6 बार हो गया डबल क्रोशिया बनाया मैंने, तो टोटल ये 12 हो गए। अब हमें यहाँ से यहाँ तक 11, यही जो हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही 11 स्टिच बनने हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। अब इसके बाद इन तीनों स्टिच में दो दो बार डबल क्रोशिया बनेगा, एक ये दो, फिर स्टिच में दो बार एक और ये दो, फिर उसके बाद फिर स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए ये दो दो बार बन गया, ये तीन स्टिच में डबल क्रोशिया बन गया। अब हम इस चेन में से इसको स्लिप कर देते हैं, ये स्लिप स्टिच हो गया। अब उसके बाद एक चेन बनाए और इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में एक बार, नेक्स्ट स्टिच में दो बार, नेक्स्ट स्टिच में एक बार और नेक्स्ट स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया बनना है। एक बार बना, फिर दो बार बन, दूसरे स्टिच में दो बार, फिर एक बार, तीसरे स्टिच में फिर दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार। अब हमें 5 स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार ये 5। इसके बाद 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो ये 3। इसके बाद हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, एक
दो और ये तीन, इस तरीके से। अब हमें यहाँ इस स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, फिर दो बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, दो बार एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया बनेगा, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में दो बार। इस तरीके से ये वाला बनेगा। एक बार दो बार बनेगा, एक स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया, एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, दो, एक, दो। अब इसके बाद एक डबल क्रोशिया, ये कंप्लीट हो गया ऊपर का। अब हमें तीन, जो हमने यहाँ तीन बनाए थे डबल क्रोशिया, एक, दो, ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बना। अब तीन हाफ डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन। अब इसके बाद पांच सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। इसके बाद हमें नेक्स्ट में दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर अगले स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल, एक बार सिंगल क्रोशिया और इस स्टिच में दो बार सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये इस तरीके से ये सोल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए इसका ये सोल कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से एक सोल और बनाना है मुझे अभी। इसको मैं कट कर देती हूँ एक्स्ट्रा ऊन को। के नीडल की हेल्प से इसको जो एक्स्ट्रा जो है इसका ये ऊन है, इसे इस तरीके से हाइड कर देते हैं। और बाकी इसको कट कर देती हूँ मैं।
इसका इस तरीके से मैंने ये दूसरा इसका पार्ट बना लिया है, दूसरा सोल का दूसरा वाला बना लिया, इसको भी मैं ये दोनों इसके पार्ट हैं। अब हम दोनों को इस तरीके से कर लेते हैं, जो हमका जो हमारा लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड है, जो ये राइट साइड है ये लेफ्ट है, उसको अंदर कर देते हैं हम दोनों को एक साथ मिलाते हुए। यहाँ से इस स्टिच में से और इस स्टिच को मिलाते हुए अब एक एक दोनों तरफ से एक एक स्टिच को लेते हुए स्लिप स्टिच बनाना है। इस तरीके से दोनों पोर्शन को दोनों पार्ट को इस तरीके से ज्वाइंट करते हुए यहाँ तक लाना है। ये देख लो मैंने इसको चारों तरफ से इसको ज्वाइन कर लिया। अब मैं एक्स्ट्रा धागे को कट करके इसको मैं कट कर देती हूँ। इसको मैं क्रोशिया से अंदर कर देती हूँ। ये देखिए ये इसका सोल बन चुका है। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन बनाऊंगी। इसके लिए मुझे ये जो स्ट्रैप हैं दोनों ये अलग अलग बनेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक ये वाली स्ट्रैप बनाती हूँ। ये मैंने स्लिप नॉट बनाई है। इसके बाद हमें 23 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 ये मैंने 23 चेन बना ली है। अब इसके बाद इस लास्ट वाली चेन को छोड़कर इससे पहले वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी तरीके से हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। ये रो इसी तरीके से बनेगी।
ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो के लिए हमें दो चेन बनानी है, एक दो, और हर स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये अब नेक्स्ट ये रो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी। इसके लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाते हैं और अब ये रो सिंगल क्रोशिया बनेगा इसमें, एक ये दो। पहले स्टार्टिंग के दो सिंगल क्रोशिया बनाने, फिर इसके बाद एक दो, दो चेन बना के दो स्टिच को स्किप करना है, एक और ये दो स्किप करके तीसरे स्टिच में फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये काज बन जाएगा, हमें बटन के लिए काज चाहिए तो इस तरीके से ये काज बन जाएगा। पूरी रो में सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये रो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो के लिए हमें दो चेन बनानी है और पूरी रो में हमें डबल क्रोशिया बनेगा। ये हमने दो चेन बनाई थी जो हमने बटन होल के लिए छोड़ी थी, बनाई थी, इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। दो चेन बनाई थी तो दो ही डबल क्रोशिया बनेगा। ये वाली स्टेप पूरी हो गई है। इसके लिए दूसरी स्टेप बना रखी है, एक बड़ी और एक छोटी। ये देखिए इस तरीके से, इसमें मैंने 23 चेन्स बनाई थी और इसमें मैंने डबल कर देती हूँ तो 46 चेन बना के सेम इसी पैटर्न, यही पैटर्न इसमें बनेगा। अब मैं इसको कट करके इस तरीके से सिलना है। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से दोनों स्लीपर हैं।